आंधिया आ गया है अपनी टीम के साथ सबका हाल बुरा करने। दोस्तों हाल ही में नेटफ्लिक्स ने मनी हाइस्ट पार्ट 5 को लेकर काफी कुछ चीजें रिवील कर दी हैं, लाइक बर्लिन के बेटे राफेल का लुक, टोक्यो के XBF रहने का लुक एंड साथ में गांधिया की पूरी टीम, जिसको देखने के बाद पार्ट 5 को लेकर थोड़ी बहुत क्लैरिटी तो मिलती है। तो कर इन सभी के बारे में फैंस की थ्योरीज क्या है, तो आज के इस वीडियो के अंदर इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो बस फिर ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देख कर जाना। तो कर शुरुआत करते हैं पैट्रिक रिएडो से, जो कि इस सीरीज के अंदर राफेल का रोल प्ले करने वाले हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये इस सीरीज के अंदर बर्लिन के बेटे का रोल प्ले करने वाले हैं, एक ऐसा बेटा जो कि चोरी करने में बाप का साथ देता है। और इस पूरे क्लिप में हमें सिर्फ बर्लिन और राफेल ही देखने को मिलते हैं चोरी करते हुए। सो मे बी इस क्लिप का मोटिव बाप बेटे की अच्छी बॉन्डिंग दिखाना था, जो कि क्लिप को देखकर लगता भी है। एंड जब से फैंस को मालूम पड़ा है कि राफेल ही बर्लिन का बेटा है, तो तभी से सभी के मन में एक ही थ्योरी निकल के आ रही है, और वो ये है कि राफेल ही प्रोफेसर को रेस्क्यू करेगा। पर यहाँ पर क्वेश्चन ये निकल के आता है कि प्रोफेसर को राफेल के बारे में पता है भी या फिर नहीं, क्योंकि जहां तक हम सभी ने अभी तक इस सीरीज को देखा है तो वहां पर तो बर्लिन ने राफेल तो क्या उनका बेटा है इस बात तक का जिक्र नहीं किया है। सो मे बी कम चांसेस है कि प्रोफेसर को राफेल के बारे में मालूम हो। पर हाल ही में पार्ट 5 का जो ट्रेलर रिलीज किया गया है, तो वहां पर हमें ये चार लोग एक साथ देखने को मिलते हैं, तातियाना, बर्लिन, राफेल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्सियला। तो अगर मार्सियला को राफेल के बारे में मालूम है, तो हो सकता है कि प्रोफेसर को भी राफेल के बारे में मालूम हो। और अगर ये सब कुछ वाकई है, तो प्रोफेसर का बस एक लास्ट बैकअप प्लान राफेल ही है। पर यहाँ पर एक और क्वेश्चन ये निकल के आता है कि ऐसी क्या क्वालिटी है बर्लिन के बेटे राफेल में कि वो प्रोफेसर और उसकी टीम की हेल्प कर सकता है। एंड मेरे हिसाब से राफेल का जैसा लुक दिखाया गया है, तो मे बी माइंड गेम्स खेलना। तो अगर राफेल को लेकर आपकी थ्योरी क्या है, तो कमेंट करना मत भूलना। वेल, अगर बात करें मिगेल एंजेल सिल्वेस्ट्रो यानी कि रहने की, तो ये बात तो यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर है कि ये इस सीरीज के अंदर टोक्यो के एक्स बॉयफ्रेंड का रोल प्ले करने वाले हैं, जिसके बारे में टोक्यो ने ये पहले रिवील किया था कि वो मर चुका है, और इसीलिए उनको इस क्लिप के अंदर अ घोस्ट फ्रॉम द पास्ट कहकर बुलाया गया है। तो यहाँ से ये बात तो क्लियर है कि ये आपको टोक्यो के प्रेजेंट में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि बिना बात के पास्ट दिखाने का कोई मतलब बनता नहीं है। पर वो अपने गैंग के साथ होंगे या फिर पुलिस साथ, तो खैर ये क्लियर कट कहना मुश्किल है, क्योंकि टोक्यो ने ही खुद कहा था कि उसे पुलिस ने ही गोली मारी थी, तो मे भी हो सकता है कि पुलिस ने ही बचाया भी हो, और मे बी अ घोस्ट फ्रॉम द पास्ट वाली लाइन इसी बात को रिप्रेजेंट कर रही है। वेल, अगर बात करें गांधिया की, तो इस फोटो को देखने के बाद ये बात तो यहाँ से क्लियर है कि गांधिया अब छूट चुका है, और जिस तरीके से इसे बांधा गया है, तो देखकर तो लगता है कि इसे भेजा गया है, यानी कि किसी तरीके का समझौता हुआ है इनके बीच, क्योंकि यहाँ पर टोक्यो और बाकी सारे गैंग मेंबर गांधिया को मारकर नैरोबी का बदला ले सकते थे, और जैसा कॉन्फिडेंस गांधिया दिखा रहा है, तो देखकर तो लगता है कि उसकी टीम उसे बचाने आ गई है। और अगर यही गांधिया की टीम है, तो सॉरी फ्रेंड्स, ये मे बी प्रोफेसर नहीं हो सकते, और इस फोटो को देखकर लगता है कि ये बंदा इस टीम का हेड है, एंड जैसा बवाल इसकी टीम ने अंदर मचाया हुआ है, तो देखकर लग रहा है कि ये बंदा गेम चेंजर हो सकता है। एंड आप सबके लिए एक क्वेश्चन कि ये डेनवर के मुंह से खून क्यों निकल रहा है, तो खैर अपना जवाब कमेंट करना मत भूलना। तो बस फिर आज के लिए यहीं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।